लापता किशोर का नहीं लगा सुराग, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल, मामले की रिपोर्ट दर्ज। जनपद मैनपुरी के थाना किसनी क्षेत्र के कुसमरा चौकी के ग्राम पदमपुर निवासी सत्यवीर सिंह, जो कि बीएसएफ में तैनात है, घर पर पत्नी बच्चों के साथ रहकर उनका पालन पोषण कर रही थे हैं। सत्यवीर का 16 वर्षीय पुत्र असित, जो मैनपुरी के भोगांव रोड स्थित तपस्थली सीनियर सेकेंडरी आवासीय स्कूल में कक्षा 10 का छात्र है, विद्यालय का अवकाश हो जाने के कारण असित घर पर मां के साथ रह रहा था। बीते 4 जून 2022 को दोपहर 2 बजे के लगभग घर से कुसमरा बाजार से घरेलू सामान लेने गया था, जो देर रात घर वापस नहीं लौटा। असित के अचानक लापता हो जाने के कारण मां और परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। इस संबंध में लापता युवक के चचेरे भाई आशीष कुमार ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक लापता किशोर का सुराग नहीं लग पा रहा है। आशीष कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? पदमपुर। क्या पूरा मामला है, क्यों है? सर मेरा चचेरा भाई है, वो चार तारीख को दोपहर 2 बजे घर से कह के निकला कि मैं बाजार जा रहा हूँ मम्मी, वो 6 बजे तक देखा लौट के नहीं आया बेचार। तब मैंने उसकी तलाश की, वो अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। मैंने FIR भी कराई, उसमें भी कोई अभी मुझे जानकारी नहीं मिली पुलिस द्वारा भी कि उसको क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन कार्रवाई तो पुलिस कर रही है अपनी। अच्छा, आज पुलिस अधीक्षक के पास पहुँचे हैं? फिर मैं पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचा तो पुलिस अधीक्षक साहब ने मुझसे बोला कि मैं कार्रवाई कर रहा हूं। अब मुझे तो तब तसल्ली आया जब मेरा भाई हमें प्राप्त हो जाए। और चौथा दे दो। चौथा देने था आवाज, और घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इसी के अलावा किसी को घर में। कितने में पढ़ता था आपका भाई? 10th क्लास में हॉस्टल में पढ़ता था, तपस्थली जी के पास। अच्छा, एक जानकारी ये भी हुई है कि एक लड़के को गिरफ्तार भी किया गया उस संबंध में। जी क्या तो आपका दोस्त था वो? नहीं, दोस्त तो नहीं था, लेकिन उस लड़के जब माट मथुरा पे वो पकड़ा गया तो मैं वहाँ गया, पुलिस से पहले मैं पहुँच गया, हमसे बोला हमें साहब बदमाश पकड़ के लाए यहाँ, इस तरह से बोला। हाँ, और आप तो क्या लगता है कि आपके लड़के की जो है क्या मतलब जो है गायब हुआ है, क्या लगता है? सर अब मैं तो ऐसे तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो तो लड़के से उसका कोई संबंध नहीं था, पता नहीं उसके दोस्तों के माध्यम से उससे कोई संबंध हुआ हो, वो तो भाई पुलिस और हम सब लोग मिलके ही बता सकते हैं उसकी। अच्छा, जब समीक्षा की जाए।